हेलो एस्पायरेंट्स, 22 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से 10 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन अयोध्या केस। तो ये अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट केस जो है, ये 68 ईयर ओल्ड केस है। तो इसका फर्स्ट पटिशन जो है वो फाइल किया गया था फैजाबाद सिविल कोर्ट में इन 1950। तो तब यहाँ पे ब्रिटिकन ने कहा था कि उनको यहाँ पे पूजा परफॉर्म करने के लिए राइट्स चाहिए। तो यहाँ राम लल्ला, ये राम लल्ला आइडल, आइडल ऑफ लॉर्ड राम यहाँ पे पाया गया था। तो ये बाबरी मस्जिद है यहाँ पे अयोध्या में। तो ये बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम के नीचे ये आइडल पाया गया था, और वो कह रहे थे कि ये मिराक्यूलसली यहाँ पे आ गया है, तो ये हमको यहाँ पे पूजा करने का राइट चाहिए। तो उसके लिए पेटिशन फाइल किया गया था। फिर सेकंड पेटिशन भी उन्होंने फाइल किया कि पूजा करने के राइट को हमको कंटिन्यू करने दिया जाए, यहाँ पे आइडल ये स्ट्रक्चर में रहने दिया जाए, यहीं पे रहने दिया जाए बाबरी मस्जिद के अंदर। फिर 1959 में निम्रोहा अखाड़ा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पेटिशन फाइल किया कि ये जो डिस्प्यूटेड साइट है ये उनको हैंड ओवर कर दी जाए, उनके चार्ज में होनी चाहिए। फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उन्होंने पेटिशन फाइल किया 1961 में कि उनको ये पोजेशन दिया जाए इस साइट का। फिर वही है, राम लल्ला विराजमान, मतलब के जो आइडल है, तो आइडल एक लिटिगेंट बन के उनको एक लिटिगेंट बनाया गया, और ये केस फाइल किया गया 1989 में के इनको पोजेशन दिया जाए डिस्प्यूटेड साइट का। तो ये अब तक के डेवलपमेंट्स थे। उसके बाद 2010 में जो एक्चुअल ऑर्डर आया, तो ये लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट, 3 जज बेंच थी, इन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो डिस्प्यूटेड साइट है इसके 3 डिविजन्स हो गए, 3-पार्ट डिविजन होगा। तो यही है, तो उन्होंने इसमें हिंदू को राइट दिया कि ये जो मेकशिफ्ट टेम्पल, ये सेंट्रल डोम बाबरी मस्जिद तो डिमोलिश हो गई, तो ये पूरा जो डिस्प्यूट है ही, तो जो 1992 में रायट्स हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि अयोध्या में यहाँ कार सेवक्स ने बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी थी, आरएसएस अफिलियट्स ने। तो यही है, तो ये बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने के बाद यहाँ पे 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3-पार्ट डिविजन किया जाए। तो ये 2.77 एकर्स की डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इनके 3 हिस्से हो गए, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को 1 पार्ट मिलेगा, निमरोहा अखाड़ा जो है उनको, और राम लल्ला आइडल उनको तीसरा डिस्प्यूटेड साइट में से तीसरा भाग मिलेगा। तो ये ऑर्डर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस पे अपील्स फाइल किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया, मतलब ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ऑर्डर। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे अर्जेंट पिटीशन के लिए एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि अर्जेंट हियरिंग की जाए इसके ऊपर। तो पेटिशन नहीं, अर्जेंट हियरिंग। तो अर्जेंट हियरिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अभी ये व्यू पॉइंट है कि इसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट देखना चाहिए, कि ये सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट हो। वो कह रहे कि मीडिएटर्स यहाँ पे लाए जाए, अगर कोई नहीं तो हम खुद, जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के, वो खुद कह रहे कि आई वुड ऑल्सो बी रेडी कि आई कैन बिकम अ मीडिएटर, ताकि ये डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सके, क्योंकि इसमें काफी सेंसिटिव इश्यूज इन्वॉल्विंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से रायट्स हो चुके हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, और वही है जो हिंदू मुस्लिम रायट्स होते हैं वो उसका मेन रीजन ये कई बार रह चुका है। तो इसीलिए स्टेप्स लेना जरूरी है कि दोनों साइड्स एमिकेबली ये डिस्प्यूट सेटल करें। अगर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन एक साइड के, एक पार्टी के फेवर में होगा, तो वो फिर से डेलिकेट सिचुएशन आ जाएगा। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं, काफी सारे इसके अंदर नो रिकॉर्ड्स लाए जा रहे हैं। तो 16th सेंचुरी के मेडिवल टाइम्स के, मुगल टाइम्स के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, जो अरबिक पर्शियन लैंग्वेज में, इनको इंग्लिश में कन्वर्ट भी किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है कोर्ट के लिए। तो ये सब स्टडी भी किया गया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, तो उन्होंने ये भी कंक्लूड किया अपने जजमेंट में कि लॉर्ड राम जो है सन ऑफ किंग दशरथ, ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये 1482.5 स्क्वायर यार्ड्स की एरिया है जो डिस्प्यूटेड राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रिमाइस है उधर। तो यहाँ 9 लाख साल पहले उनका जन्म हुआ था त्रेता युग में। तो ये भी उन्होंने कंक्लूड किया। तो इसके ऊपर एक थर्ड जज ने वहां पे बोला था कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड गेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये लीप ऑफ फेथ है, ये माइथोलॉजिकल रियल में जाने के वो ना ट्रांसग्रेस हो रहा है, कि उस तरफ हम जा रहे हैं। तो वही सब अब तक के डेवलपमेंट्स है इसमें। ये वो 2.77 एकर एरिया दिखाई गई है, उसका मैप है। तो ये 2.77 एकर जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसके नीचे का एरिया यहाँ पे एक्सकेवेट किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ये इस बेस के, इसके नीचे का पार्ट है। तो इधर ये जो है राम छबुत्रा, तो वो पार्ट ये है। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पाया गया है, यहाँ पे स्टोन फ्लोर्स पाए गए हैं, इसके नीचे यहाँ पे ये पिलर्स पाए गए हैं, पिलर बेसिस है,
और फिर यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ह्यूमन फिगर्स, एनिमल टेराकोटा फिगर्स यहाँ मिले हैं, ग्रेव्स मिली है यहाँ दो, तो वो हिंदू है या मुस्लिम है वो क्लियर नहीं है, स्टोन स्लैब्स वगैरह मिले हैं, स्केलेटन्स मिले हैं यहाँ पे, और ये जो बाबरी मस्जिद है इसका ये सेंट्रल डोम जो है उसके बीच में यहाँ पे ये मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर भी बनाया गया है जहाँ पे रामलला आइडल रखा गया है। तो वही ये पूरा मैप है उसका रीजन का। बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया गया इन 1992। तो ये जो 2.77 एकर्स का ये रीजन है डिस्प्यूटेड, वो यहाँ है, ये रेड बाउंड्री उसकी दिखाई गई है। तो ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये सेंट्रल डोम आइडल यहाँ पे है वही है। तो ये प्लस ये उधर शिलान्यास परफॉर्म की गई थी बाय द हिंदूज। और जो एडजॉइनिंग रीजन आप देख सकते हैं अयोध्या साइट का, तो एडजॉइनिंग रीजन अक्वायर किया गया बाय द गवर्नमेंट। तो 43 एकर्स इसमें से राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया गया। फिर बाउंड्री लाइन ये आप देख सकते हैं 67 एकर्स की बाउंड्री लैंड है, तो पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट ने अक्वायर की है। तो ये पूरा रीजन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, इसके आजू बाजू यहाँ पे सीता रसोई है। तो ये यहाँ पे ये रीजन का जो तीन डिविजन हुए थे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के, जो तीन पार्ट अलाहाबाद हाईकोर्ट ने किए थे ट्राइफोकेशन, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो रामलला को ये सेंट्रल डोम के नीचे की एरिया दी गई। ये 2010 में आया, मतलब ये डोम तो उन्होंने डिमोलिश कर दिया वही। तो ये रामलला को दिया गया रीजन, राम छबूतरा जो है यहाँ पे, और ये सीता की रसोई, ये दो रीजन्स, और ये भंडार, ये जो रीजन, ये तीन दिए गए निर्मोही अखाड़ा जो सेकंड रिटिगन थे उनको, और तीसरी जो बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो सुन्नी सेंट्रल बर्ड को गई। तो ये डिविजन ट्राइफोकेशन किया गया था। तो वही है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया आप देख सकते हैं, ये रीजन है, बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल कंट्रोल के अंदर ही प्रॉपर्टी है, खाली ये 2.77 डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर इस डिस्प्यूट में हिंदू और मुस्लिम पर्सपेक्टिव लाया गया यहाँ पे इस टेबल में। तो हिंदू पर्सपेक्टिव ये है कि राम इज सेंट्रल पार्ट ऑफ थियोलॉजी, तो ये नेशन वाइड अटैचमेंट है इसके लिए। और ये मुस्लिम पर्सपेक्टिव के, ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल और डिग्निटी है, तो हम कैसे गिव अप कर दें। और दूसरा पॉइंट वो रखते हैं कि दिस इज दिस देयर कैन ओनली बी वन बर्थ प्लेस ऑफ राम, के राम की बर्थ प्लेस, लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस एक ही हो सकती है, और ये एग्जैक्ट साइट हमको होनी और वहां पे टेम्पल बनाना इम्पोर्टेंट है। और मुस्लिम पर्सपेक्टिव ये है कि बाकी और प्लेसेस अयोध्या में जो है वहां पे भी हो सकता है बर्थ प्लेस ऑफ राम वहां हो या ना हो, इसका कोई गारंटी प्रूफ नहीं है। तो वो कह रहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो कह रहे कि यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया है कि जो मॉस्क साइट जहाँ पे मॉस्क बनाई गई उसमें पहले हैबिटेशन थे, मतलब लोग रहते थे, क्योंकि पिलर्स वगैरह जो मिले गए एक्सकेवेशन से वो ये प्रूव होता है। तो यहाँ पे दूसरा पर्सपेक्टिव वही है कि ये और कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टेम्पल हो ये जरूरी ना है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो ऐसा भी हो सकता है, ये भी कोई गारंटी प्रूफ नहीं है इसके इसके ऊपर भी कि ये टेम्पल ही था। और वो कह रहे हिंदू पर्सपेक्टिव ये वो है कि इन मेनी अदर प्लेसेस जो है आजू बाजू में, जैसे मथुरा वाराणसी, यहाँ पे भी टेम्पल डिस्ट्रॉय करके मॉस्क बनाए गए थे। तो ये एक फैक्ट है कि मुस्लिम रूलर्स जब इन्वेड किया था उन्होंने, तो उन्होंने काफी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी जगह मॉस्क बनाए। तो वही वो कह रहे कि ये भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो इन्फरेंस लगाया जा रहा है कि अयोध्या भी यहाँ पे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर ही होगा और टेम्पल ही होगी, तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो वो मुस्लिम पर्सपेक्टिव फिर ये है कि अगर ये ऐसे एस्टिमेट लगाया जाएगा तो और भी जो मॉस्क है उस एरिया में उसको भी यही कहा जाएगा कि ये भी टेम्पल्स थी, अब मॉस्क बनाई गई है, तो बाकी मॉस्क के ऊपर भी अटैक्स आएंगे, तो वो फियर भी जो है वो यहाँ डिस्प्ले किया जा रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर मॉस्क है इसमें कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इस्लामिक कल्चर से अटैच नहीं है, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, तो यहाँ टेम्पल बनाने को देना चाहिए। पर वही है, वो कह रहे हैं कि लोकल मुस्लिम्स के लिए तो यार मॉस्क है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लोकेशन स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वही एक डिग्निटी के लिए और बाकी ये ऐसे थ्रेट्स आगे और ना आए वो एक फियर है जिसकी वजह से ये मुस्लिम्स होल्ड बैक कर रहे। तो इफ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आता है, दोनों साइड्स अग्री करते हैं और म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, अश्योरेंसेस मिलते हैं, तो इस डिस्प्यूट का सलूशन भी आ सकता है। फिर अगला न्यूज आइटम है, 88 यूथ्स टुक टू मिलिटेंसी इन 2016। तो गवर्नमेंट ने अभी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि 2016 में सबसे ज्यादा यूथ्स ने मिलिटेंसी ज्वाइन की जम्मू एंड कश्मीर में, अगर पास 6 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो 88 कश्मीरी यूथ्स ने मिलिटेंसी ज्वाइन की। तो ये सब हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी थे, उनका एनकाउंटर किलिंग जो हुआ उसके बाद ये सब अनरेस्ट शुरू हुआ कश्मीर वैली में, वो हमने देखा, तो उस वजह से ये काफी ज्यादा बढ़ गया, इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक और किलिंग्स भी बढ़ गए हैं, तो वो सब यहाँ पे उन्होंने डेटा फैक्ट रखा है।
फिर अगला न्यूज आइटम है आधार टू बी मस्ट फॉर आईटी रिटर्न्स, आईटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो एनडीए गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है कि आधार को अब मैंडेटरी बनाया जाएगा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए भी और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए भी फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है अरुण जेटली, जो अब डिफेंस मिनिस्टर भी है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी है, तो मनोहर पारिकर का डिफेंस मिनिस्टर, वो गोवा के सीएम बन गए हैं। तो अब ये पोर्टफोलियो भी मिस्टर अरुण जेटली को अलोकेट किया गया। तो इन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किया फाइनेंस बिल 2017 में, जो अभी लोकसभा के सामने, कि ये आधार मैंडेटरी के प्रोविजन इसमें इंसर्ट किया जाए। तो ऑलरेडी आधार मैंडेटरी काफी सारी स्कीम्स के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, इसके लिए फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर MGNREGA, पेंशन एक्ट जो स्कीम्स है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स, मिड डे मील स्कीम्स, हम देखते आ रहे कि धीरे धीरे आधार मैंडेटरी करने के प्रोविजन लाए जा रहे हैं ताकि आधार यूनिवर्सल है। और भी स्कीम्स है, सेंटर कह रही है कि 31 स्कीम्स आइडेंटिफाई की गई है कि इनके लिए भी आधार अब मैंडेटरी बनाया जाए। तो आधार एक्ट ऑलरेडी पास किया गया, उसमें प्रोविजन है कि मैंडेटरी कर सकते हैं, तो अब गवर्नमेंट वो स्टेप्स ले रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है फाइनल हियरिंग ऑन कावेरी इशू ऑन जुलाई 11। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, मेनली यहाँ पे कर्नाटक का और तमिलनाडु दो स्टेट्स इन्वॉल्व है और केरला भी इन्वॉल्व है, तो तीन स्टेट्स एक्चुअली कावेरी वाटर डिस्प्यूट में। तो ये इनका जो है पुडुचेरी भी है एक्चुअली यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 2000 क्यूसेक्स कावेरी वाटर कर्नाटक को रिलीज करना है तमिलनाडु को, तो वो तो अपहोल्ड होता ही है। प्लस उन्होंने कहा है कि अब बैक टू बैक हियरिंग्स इस केस पे होगी 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में फॉर 15 वर्किंग डेज, तो इसके ऊपर रेजोल्यूशन लाया जाएगा। पहले हमने ये भी डिस्कस किया था, ये कई बार न्यूज में बहुत आ चुका है, लास्ट 2 महीनों से नहीं आ रहा है, उससे पहले कई बार न्यूज में आ चुका है, नवंबर दिसंबर अक्टूबर में भी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन करके उन्होंने ये स्टैंड रखा था कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्योंकि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उसमें ये है कि ट्रिब्यूनल का अवार्ड फाइनल होगा, तो यही है। लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन राइट्स होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें वो अपील्स ले सकते हैं। तो ये भी वो कह रहे हैं कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है जुडिशियरी के पास, पर अपील्स वो सुन सकती है, स्पेशली पिटीशन राइट्स वो यूज कर सकती है। तो जुडिशियरी का जुरिसडिक्शन है वो, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है और वो हियरिंग्स करेगी। फिर अगला न्यूज आइटम है नोट बैन, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर। तो ये स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट जो अभी पास हुआ है रिसेंटली, उसके ऊपर पिटीशन फाइल किया गया है कि इसके अंदर सिर्फ एक कैटेगरी है लोगों की, इंडियंस की जो अब्रॉड थे इस टाइम फ्रेम में, उनको अलाउ किया जा रहा है कि उनका करेंसी एक्सचेंज जो है 500,000 ओल्ड करेंसी वो एक्सचेंज होगा आरबीआई के थ्रू। तो ये कट ऑफ डेट 30 दिसंबर 2016 की थी और 8 नवंबर को जब पीएम ने अनाउंस भी किया तभी भी ये कहा गया था कि एक्सटेंड किया जाएगा और ये 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया। आरबीआई ने भी अश्योरेंस दिया कि डेडलाइन एक्सटेंड की जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो अब्रॉड थे उनके लिए है ये प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट वही कह रहे कि तब तो ऐसा कोई था नहीं, तो अब ये कैटेगरी कम क्यों किया, सिर्फ एक ही कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए क्यों ये प्रोविजन है। तो वो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है सेंटर को, वो कह रहे कि अगर कोई समझो हॉस्पिटलाइज था पूरे टाइम फ्रेम के लिए तो उनके लिए क्या, वो यहाँ पे उनके लिए प्रोविजन ही नहीं है। तो पहले अश्योरेंसेस दिए गए, ऑर्डिनेंस में भी प्रोविजन था, लेकिन अब जो एक्ट पास हुआ है, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ था फिर एक्ट भी पास हो गया, तो उसमें क्यों ये रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो ये वो कह रहे हैं कि सेंटर एफिडेविट फाइल करे कि क्यों उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट किया। वही है सुप्रीम कोर्ट इस पे ये इशू के ऊपर केस सुन रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है द फोर वर्ड्स दैट एक्टिविस्ट्स वांट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एचआईवी बिल। तो एचआईवी बिल हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये अभी रिसेंटली राज्यसभा ने इसको पास भी कर दिया। तो ये बिल के अगेंस्ट एचआईवी राइट्स एक्टिविस्ट अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं, क्योंकि बिल में प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट को एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का ऑब्लिगेशन है, कि उनके ऊपर ये ड्यूटी है कि उनको ये करना है, लेकिन कितना करना है, एज फार एज पॉसिबल। तो ये जो चार वर्ड्स है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये पूरा पर्पस ही सॉल्व नहीं करता, एज फार एज पॉसिबल तो कोई मतलब अश्योरेंस ही नहीं है फिर, तो कोई गारंटी अश्योरेंस होगा नहीं। होम हेल्थ मिनिस्ट्री ने वर्बल अश्योरेंस दिया लेकिन वो तो लीगली बाइंडिंग नहीं है, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि फिर ये पूरा मीनिंगलेस हो जाता है। तो इंडिया में 21 लाख पीपल है जो एचआईवी पॉजिटिव है और इसमें से जो एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होती है एचआईवी के लिए, वो सिर्फ 25.82% लोगों को मिल रही है इनमें से। तो ग्लोबल एवरेज भी 41% है, तो इसीलिए इंडिया में ट्रीटमेंट मिलना भी कम हुआ है और उसमें से अब अश्योरेंसेस भी सही से नहीं दिए जा रहे, एज फार एज पॉसिबल कहा जा रहा है।
तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है गवर्नमेंट डिफेंस आर्मी सहायक सिस्टम। तो ये सहायक सिस्टम इंडियन आर्मी में है जिसके अंदर जवान्स को ऑफिशियल्स जो आर्म्ड फोर्सेस ऑफिशियल्स है उनके साथ रखा जाता है। तो ये बडी सिस्टम जैसे कहा जाता है इसको कि वो साथ में रहे और वो ऑफिशियल से सीखे। तो पीस वॉर टाइम दोनों में इनका एस्पिरिट डी कॉर्प्स बना रहे इसके लिए प्रोविजन है। ये ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी है, ब्रिटिश एरा के टाइम से है, लेकिन इसके अगेंस्ट काफी टाइम व्यूज आते हैं कि ये सहायक सिस्टम को मिसयूज किया जाता है। ये जो जवान इनको दिए जाते हैं ऑफिशियल्स को, ये इनको सर्वेंट्स की तरह यूज करते हैं। तो जैसे कि उनसे मीनियल टास्क कराए जाते हैं कि डॉग घुमा के आओ और क्लीनिंग वगैरह ऐसे सब काम करवाए जाते हैं। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे कई जवान ने अपना वॉइस भी रेस किया है। रिसेंटली वीडियो भी आई थी सामने जो जवान ये कंप्लेन कर रहे हैं सहायक सिस्टम के अगेंस्ट कि उनको मीनियल जॉब्स कराए जा रहे हैं। तो ये पब्लिक में आने की वजह से उनके ऊपर ही इंक्वायरीज होती है और उनको ही सफर करना पड़ता है। एक सोल्जर ने यहाँ पे सुसाइड भी कमिट कर दिया था। तो अब गवर्नमेंट एक्चुअली इस सहायक सिस्टम को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए कह रही है कि इससे एस्पिरिट डी कॉर्प्स बना रहता है, ये मोरल पे अफेक्ट नहीं करती है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इसको नहीं लिया जाए। तो वो डिफेंड कर रहे सहायक सिस्टम को। वो कह रहे कि कई बार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टाइम टू टाइम के ये एंश्योर किया जाए कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस सहायक को जो कॉम्बेटेंट सोल्जर्स है इनको मीनियल टास्क में एम्प्लॉय नहीं किया जाए। तो ये हम इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है बार बार, मतलब कुछ तो इश्यू है, कुछ तो कंसर्न्स है। तो देयर इज अ ट्रूथ बिहाइंड इट, बट स्टिल द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी। वो कह रहे हैं कि सहायक सिस्टम अच्छा है, ये इनफॉर्मल तरीका है ऑफिसर्स को ग्रास रूट इश्यूज के बारे में समझाने के लिए। तो ये सहायक सिस्टम सिर्फ आर्मी में है, नेवी और एयरफोर्स में नहीं है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर रिजेक्ट्स एपी प्रपोजल फॉर जॉइंट वेंचर ऑन विराट। तो INS विराट जो एयरक्राफ्ट करियर है इसको नेवी ने अब डिकमीशन कर दिया है। तो इन्होंने ये 30 साल तक सर्विसेज में थी, इससे पहले इसका नाम HMS हर्मिस था इन रॉयल नेवी यूके में, फिर इसको रिस्ट्रक्चर करके इंडियन नेवी को भी दिया गया। यहाँ पे भी वो सर्विस में रही है मार्च 2017 में, अभी ये महीने में ही इसको डिकमीशन किया गया। तो अब नेवी कह रही है कि मतलब इट्स अ ह्यूज नेवी एयरक्राफ्ट करियर, मतलब इट्स अ ह्यूज शिप। तो इसको अब क्या आगे करना है वो स्टेप्स डिसाइड किया जाए गवर्नमेंट से और लिया वो एक्शन लिया जाए। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कि इसको जॉइंट वेंचर यहाँ बनाया जाए, SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर 50-50, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो अब आगे और कोई वायबल अल्टरनेटिव है नहीं। तो अब क्या किया जाएगा इस पे वही क्वेश्चन है कि INS विराट नेवी ये भी कह रही है कि इसको हटाया जाए ताकि वो नेवी को भी वो फ्री स्पेस मिले, वो अपना एक्टिविटीज कर सके। तो वही वो चाहती है कि जल्द से जल्द इसका इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि INS विक्रांत जो थी इससे पहले उस पर भी कई टाइम तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और फाइनली उसको स्क्रैप यार्ड ही भेजा गया। तो अब INS विराट भी क्या स्क्रैप यार्ड जाएगी या कोई ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट प्रपोजल इस पे आएगा तो हम न्यूज में आएगा तो देखेंगे। अगला न्यूज आइटम है इंडिया पाकिस्तान टू रिव्यू मियार प्रोजेक्ट। सो ये मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश में वहां पे है। मियार नल्ला है जो एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर का। तो यहाँ पे 120 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया बना रही है। तो ये डिस्प्यूट पे क्योंकि चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो चेनाब रिवर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इज विद पाकिस्तान। तो ये इसके ऊपर डिस्कशन अभी जो टॉक्स हो रहे हैं इंडस वाटर कमीशन के कमिश्नर्स के इंडिया और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, तो ये इसके ऊपर डिस्कशन किया गया है और अग्री किया गया कि इसको रीडिजाइन किया जाएगा। अगला जो है इंडस वाटर कमिश्नर्स मिलने वाले वाशिंगटन में, तब वो रतलेड प्रोजेक्ट जो है अगेन चेनाब रिवर पे ही है वो, तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक ने उनको इन्वाइट किया दोनों कमिश्नर्स को वाशिंगटन में। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ मीडिएटर है, उन्होंने ही कमीशन किया था ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो दैट वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक ऐसे। तो ये वर्ल्ड बैंक को आर्बिट्रेशन के लिए जाता है, रतले प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट भी भेजी है पर वो पेंडिंग है अभी वर्ल्ड बैंक के पास। और किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया गया है। तो ये किशन गंगा रिवर पे है, ये दो तीनों इंडियन प्रोजेक्ट है। तो किशन गंगा रिवर जो है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी जो अगेन पाकिस्तान को अलॉट की गई है अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। तो यही डिस्प्यूट है ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का लोकेशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन,
इंडिया स्लिप्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी रिलीज की है, उसके अंदर इंडिया का रैंक अब 131 हो गया है। पिछले साल 130 था, अब ये 131 हो गया अमंग 188 कंट्रीज। तो हम मीडियन ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं, मीडियम। हमारे जो और सार्क मेंबर्स है श्रीलंका और मालदीव, ये तो इंडिया से भी आगे है, तो ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। इवन ब्रिक एस निकाल के, साउथ अफ्रीका निकाल के, ब्रिक नेशंस में भी इंडिया का लोवेस्ट रैंक है। तो वही है, टॉप कंट्री जो है वो नॉर्वे है। तीन डायमेंशंस होते हैं जिसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो वही है, डिटेल में भी यहाँ पे बताया गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज एजुकेशन लेवल्स प्लस एडल्ट लिटरेसी रेट्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, परचेसिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड, ये होता है। तो ये HDI कैलकुलेट किया जाता है। और बाकी जो डिटेल्स रिपोर्ट में आई है वो ये है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रही है। तो 54% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी साउथ एशिया में है। तो पॉवर्टी लेवल कम तो हुए 1990 से अब कंपेयर किया जाए, पर इनक्वालिटीज और बढ़ गई है। तो ये है, माल न्यूट्रिशन हाईएस्ट लेवल साउथ एशिया में है, तो वही है। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर भी लोवेस्ट साउथ एशिया में है, ओनली 1.6% ऑफ GDP एवरेज है साउथ एशिया का, और इंडिया का तो और भी कम, 1.4% ऑफ GDP। तो हम डिस्कस कर अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कि इसको पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हम चाहते हैं कि 2.5% ऑफ GDP हो जाए बाय 2025। फिर इंडियन इनिशिएटिव्स को यहाँ अप्रिशिएट किया गया, इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी को, NREGA प्रोग्राम को, जो इंडिया के लॉज है, RTI एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सो इनको अप्रिशिएट किया गया है। इवन सोशल ऑडिट पॉपुलराइज किया गया बाय दिस ग्रास रूट ग्रुप, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उसको भी मेंशन करके अप्रिशिएट किया गया है। और फाइनली ये रिपोर्ट जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर भी बात करती है, तो वो कह रहे हैं कि वुमेन का HDI लेवल मेन से कम ही है ग्लोबली, और सबसे ज्यादा डिस्पेरिटी अगेन साउथ एशिया में ही है। तो 20% HDI वैल्यू कम है फीमेल्स के लिए कंपेयर टू मेल्स। तो इसकी वजह से जेंडर गैप से एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे भी अफेक्ट होता है, और वो एस्टिमेट लगा रहे कि इसकी वजह से एटलीस्ट 19% इकोनॉमिक लॉस होता है, इनकम लॉस होता है। तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो दैट इज इट, थैंक यू।